नमस्कार श्रीमती वीणा एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज नौहर बी एस सी पार्ट फर्स्ट आज का हमारा चर्चा का विषय है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्रियाशील मध्यवर्ती क्या होती हैं ये क्रियाशील मध्यवर्ती कितने प्रकार की होती हैं तथा एक मध्यवर्ती जिन्हें कार्बोकटाइन के नाम से जाना जाता है इस पर आज विशेष रूप से हम इस क्लास में हम चर्चा करेंगे तो क्रियाशील मध्यवर्ती क्या होती हैं जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अभिक्रिया जब संपन्न हो रही होती है उस दौरान अभिक्रिया में बहुत सी ऐसी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज का निर्माण होता है और ये जो शॉर्ट लिव स्पीशीज का निर्माण होता है ये मुख्य रूप से होता है होमोलाइसिस एंड हीटीरोसिस फिशन के माध्यम से यानी समांश एवं विश्वास विखंडन के परिणाम स्वरूप इन स्पीशीज का निर्माण होता है जिनका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है लेकिन ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तो इन्हें इसीलिए क्रियाशील मध्यवर्ती के नाम से जाना जाता है ये क्रियाशील मध्यवर्ती बहुत अधिक सक्रिय होते हैं और तुरंत प्रभाव से ही अधिक स्थायी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये इनका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है बहुत ही क्षणिक होता है लेकिन क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है इसलिए ये तुरंत फाइनली प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ये जो क्रियाशील मध्यवर्ती हैं ये मुख्य रूप से छह प्रकार की होती हैं डिपेंड करता है कि जो आ, कौन सी अभिक्रिया है और किस प्रकार के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के माध्यम से ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ये छह क्रियाशील मध्यवर्ती हैं पहली है कार्बोनियम आयन अथवा इसे कार्बो कैटायन के नाम से भी जाना जाता है सेकंड है कार्ब एनायंस थर्ड है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक चौथा है कार्बींस पांचवा है बेंजाइन्स और छठा है नाइट्रीन्स तो ये मुख्यतः छह प्रकार के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं तो आज की इस क्लास में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे मुख्य सक्रिय जो मध्यवर्ती है कार्बोनियम आयन या जिसे कार्बोकेटाइन के नाम से भी जाना जाता है इसके बारे में तो कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं वह है कार्बन जिसके पास छ इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिटिव चार्ज हो उसे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन कहते हैं अष्टक पूर्ण न होने के कारण ये अस्थायी होते हैं तथा ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार भी करते हैं अब क्योंकि ये जो इसका केंद्रीय कार्बन परमाणु होता है इसमें छः इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह है अपना अष्टक पूर्ण करने की टेंडेंसी रखेगा यानी इसकी ये टेंडेंसी रहेगी कि यह अपना अष्टक जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की वह पूर्ण करे तो इसीलिए यह इलेक्ट्रोफाइल या लुइस एसिड की भांति भी यह व्यवहार करता है अब अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो कार्बोकटाइन का जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन परमाणु है वह है, एस पी टू संकरित अवस्था में होता है और जो इसके तीन एस पी टू संकरित कक्षक है वो बंद बनाने में काम आते हैं तथा एक जो बचा हुआ असंकृत पी कक्षक होता है वो खाली होता है तो इसलिए आप जो स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं तो कार्बोकेटाइन की जो आकृति है वो होती है प्लेनर ट्राई एंगुलर जिसका बंद कोण होता है एक सौ बीस डिग्री का तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं तीन एस पी टू संकरित कक्षक जो बंद बनाने में भाग लेते हैं और एक असंकृत खाली पी कक्षक इसमें विद्यमान रहता है टाइप्स ऑफ कार्बो कटाइन अब जो पॉजिटिव चार्ज यानी जो धनावेश है वो किस कार्बन परमाणु पर उपस्थित है उसके आधार पर कार्बो को बांटा गया है और ये तीन प्रकार के होते हैं प्राइमरी कार्बोकटायन सेकेंडरी कार्बोकटाइन तथा टर्शरी कार्बो प्राइमरी कार्बो प्राथमिक कार्बो यानी प्राथमिक कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे प्राइमरी या प्राथमिक कार्बो कहते हैं इसे वन नॉट वन पे एक जीरो लगा के या स्मॉल पी संकेत के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो मिथाइल कार्बोकेटाइन इथाइल कार्बोकैटायन एंड प्रोपाइल कार्बो, कार्बो, कार्बो इन सभी पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन परमाणु पर धनावेश है सेकेंडरी कार्बो कटाइन दूसरी कैटेगरी इसकी जिनमें धनावेश सेकेंडरी कार्बन पर उपस्थित होता है उसे सेकेंडरी कार्बो कैटाइन कहते हैं सिंबल हैं इसके स्मॉल एच अथवा टू नॉट के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है एग्जाम्पल आप देख रहे हैं आइसो प्रोपाइल एंड सेकेंड्री ब्यूटाइल इनमें जो कार्बोकटायन जो पॉजिटिव चार्ज है वो द्वितीय कार्बन परमाणु पर उपस्थित है तीसरी कैटेगरी है टर्शरी कार्बो कटाइन ऐसे कार्बोकटाइन जिनमें धनावेश तृतीय कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो ट्री कार्बोकटाइन अथवा तृतीय कार्बो, का कार्बो का कहते हैं सिंबल है इनके स्मॉल टी अथवा थ्री नॉट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं टर्शरी बुटाइल एंड टर्शरी एमाइल यहाँ जो धनावेश है वो तृतीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित है नेक्स्ट जो आ, आता है इसके अंदर एक कि इनकी क्रियाशीलता तथा स्टेबिलिटी uh, यानी क्रियाशीलता और स्थायित्व तो इनकी क्रियाशीलता का कारण है इनमें उपस्थित धनावेश और धनावेश बढ़ने से कार्बोकटाइन की क्रियाशीलता बढ़ती है तथा स्थायित्व घटता है यानी कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट है धनावेश बढ़ने से कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता बढ़ती है तथा स्थायित्व घटता है इसके विपरीत धनावेश घटने पर इनकी क्रियाशीलता घटती है परंतु इनका स्थायित्व बढ़ता है और स्थायित्व को दो कारक बहुत अधिक प्रभावित करते हैं पहला है प्रेरण प्रभाव और दूसरा है इनका हाइपर ये स्थायित्व का क्रम आप देख रहे हैं ट्री कार्बोकटाइन सबसे अधिक स्थायी है उसके आ, सेकेंडरी फिर प्राइमरी तथा मिथाइल कार्बोकेटाइन का, का स्थायित्व तो सबसे कम होता है क्रियाशीलता का क्रम जस्ट विपरीत यानी सबसे अधिक क्रियाशील है वो है मिथाइल कार्बोकेटाइन और ट्री कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता सबसे कम होती है नेक्स्ट एक टॉपिक आता है इसी में छोटा सा वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिटुंट यानी उस धनावेशित कार्बन परमाणु पर कोई ऐसा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है जो दो तरह से रिएक्ट कर सकता है पहला है कि वो आ, उस आ, कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो और दूसरे इस प्रकार से कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हो जो उस कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा दोनों का ही अपना अपना अलग अलग प्रभाव उनकी क्रियाशीलता तथा स्थायित्व पर पड़ेगा। पहले यहाँ आप देखें जी सिंबल से इन्हें दर्शाया गया है पहला अगर जी इलेक्ट्रॉन डोनर है यानी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है कार्बन की तरफ तो क्या होगा कि धनावेश कम होता है उसका धनावेशित कार्बन परमाणु पर धनावेश कम होगा उसका स्थायित्व तो बढ़ता है परंतु क्रियाशीलता उसकी कम होती है एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं सी एस थ्री समूह सी टू एच फाइव एटसेक्ट्रा दूसरी तरफ जी जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है अपनी तरफ से यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है परिणामस्वरूप धनावेश बढ़ेगा यानी उसका अनुपात उस पर बढ़ेगा स्थायित्व कम होगा परंतु क्रियाशीलता उसकी अधिक होगी एग्जाम्पल सी एल एन ओ टू सी एन एटसेट्रा तो इस प्रकार से जो प्रतिस्थापी समूह है वो भी कार्बोकटाइन की क्रियाशीलता तथा उनके स्थायित्व को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं अब कार्बोकेटाइन किन किन प्रकार की अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से दर्शाते हैं तो आ, ये आ, दर्शाते हैं पहला जैसे एडिशन विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ योगात्मक अभिक्रिया जैसे आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं आर प्लस ओ एच नेगेटिव आर ओ एच सेकेंड प्रकार की अभिक्रिया कि ये निकटवर्ती कार्बन से एक प्रोटोन को त्याग कर एक एल्कीन का निर्माण करते हैं यानी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन कार्बन परमाणु से थर्ड प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं जिनका ये प्रदर्शन करते हैं वो है रीअरेंजमेंट अभिक्रिया ये पुनर्विन्यास द्वारा अधिक स्थायी कार्बो का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से जो कार्बो प्राप्त होता है वो या तो एक प्रोटोन त्याग करके अपना उत्पाद बनाता है अथवा न्यूक्लियोफाइल से संयोग करके उत्पाद बनाता है यानी कोई भी कार्बो है वो अधिक स्थाई अवस्था यानी मिनिमम एनर्जी लेवल पर अपने आप को रखना चाहेगा उस हिसाब से उनके अंदर रीअरेंजमेंट प्रोसेस संपन्न होता है तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स यानी मध्यवर्ती क्रियाशील क्रियाशील जो मध्यवर्ती है वो क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तथा कार्बोकटाइन के रूप में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया सो थैंक यू सो मच